देर रात जब सभी ग्रामीण सो जाते हैं तो जंगलों के सुनसान स्थानों पर डीजे बजाकर नशे की पार्टी की जाती है। पार्टी से प्रशासन अनजान बना हुआ है, जबकि ग्रामीणों ने नशे की पार्टी के बारे में प्रशासन को भी अवगत कराया है। देहरादून के थाना रानी पोखरी में वन स्थली होम स्टे में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने, शराब के नशे में हंगामा काटने पर स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर डीजे बंद करवाया। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो अधिकतर लोग गांव वालों से बहसबाजी करने लगे। वहीं जब गांव वाले अधिक संख्या में एकत्रित होने लगे तो डीजे बजाकर पार्टी करने वाले लोग अपने अपने वाहनों से भागने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि इसमें अधिकतर लोग शराब के नशे में थे। अधिकतर वाहन प्रदेश से बाहर के नंबर के थे। ग्रामीणों की ओर से पुलिस को देर रात में सूचना दी गई, लेकिन सुबह तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं शांत जंगल के एरिया में इस तरह की पार्टी से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 9:30 बजे से डीजे लगा हुआ था और काफी तेज आवाज में थी, मतलब सो भी नहीं पा रहे थे। घरों में बच्चे कमरों के अंदर तक आवाज जा रही थी, तो हमने बाहर आके देखा तो यहाँ से कुछ लड़के लड़कियां भी जंगल की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से हम लोग उनको नीचे लेके आए। फिर यहाँ से जब करीब सुबह 4 बजे डीजे बंद हुआ, 25-26 गाड़ियाँ निकली यहाँ से, कुछ हरियाणा की थी, यूपी से थी, तो उसमें भी जो लड़कियाँ हमने गाड़ियों के अंदर देखी वो सिगरेट पी रही थी। तो कम से कम नहीं तो 40 से 50 लोग तो कम से कम थे यहाँ। अब कल धुंध थी, बारिश थी, सब कुछ था, जंगल है। हम खुद हमारी गाड़ी, हम यहाँ तक गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी गाड़ी फिसलने लग गई, 4 व्हील नहीं है गाड़ी में, तो गाड़ी से भी नहीं आ पाए। फिर मैं अपने अपने घर से ही उतर के पूरा मैंने लेमन ग्रास लगाया, उसके जंगल से निकलता हुआ रात को 12:30 के बाद में मैं खुद आके यहाँ इधर देखा, तो यहाँ पता चल रहा है कि इस तरीके से यहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ पे पार्टी चल रही है, लोग नाच गाना हल्ला चल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगा हुआ था रात को, उसमें लाइट चमक रही है सारा, मतलब एक बड़ा ही भयावक सी सिचुएशन यहाँ हमें देखने को मिली। और यहाँ पर आप देखिए, रात भर इतना डीजे बजता रहा, जंगल के बीच में शांत वातावरण है, यहाँ पशु पक्षी जानवरों को भी, इंसानों को तो परेशानी हो ही रही है। इंसान तो अपनी रिपोर्ट थाने में लिखा देगा, ये जानवर कहाँ जाएंगे अपनी रिपोर्ट लिखाने, उनको भी नुकसान हो रहा है। और बाकी गांव की जो यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही गंदा हो रहा है। नशे की हालत में कोई यहाँ पर गलत काम कर जाए, किसी का मर्डर करके उसमें जंगल में फेंक जाए, कोई रेप केस हो जाए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।